alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi faddala sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ala alamina jami'a wa aqamahu yawm al-qiyamati lil mudhnabina al mutalawisina al khata'ina al halikina shafi'a وصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. حضرات جمعہ نے تلاوت قرآن کی ہے روشنی ڈالنے سے پہلے اس آیت کو مفہوم بیان کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ تمامی لوگ ناظرین حضرات سب لوگ مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہٰ و یاسین انیس الغریبین جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پر انمار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یا آپ کے سامنے آپ کے سروں سے جو گزر رہا ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادتوں اور بڑی رحمتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سبھی لوگوں کو امسال بھی رمضان المبارک نصیب عطا فرمایا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گزشتہ سال رمضان میں رہے ہوں گے لیکن امسال ان کو رمضان کا روزہ نصیب نہیں ہوگا, وہ انتقال ہو گئے ہوں گے یا مرگ بستر پہ ہوں گے یا کسی پریشانی میں ہوں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو گزشتہ سال رمضان المبارک کا روزہ رکھے ہوں گے اور انہیں نصیب ہوا ہوگا لیکن امسال ان کو نہیں ملی ہوگی. لیکن اللہ رب العزت کا مجھے پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے, کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کو ہم سبوں کو عطا فرمایا. تو چاہیے کہ ہم لوگوں کو کہ رمضان المبارک کو پا کر کے اپنے وقت کو ہم ناجائز میں ضائع نہ کریں, اس لیے کہ رحمت اور برکت کا بھرا ہوا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو کتنی عظمت
कितनी फजीलतें बख्शी हैं कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है, अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों मेरी जन्नत को सजा दो और दोजख के दरवाजे को बंद कर दो, शयातीन को कैद कर दो। बड़े बड़े सरकस जिन और शयातीन को मोटे मोटे जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आखिर ये सब क्यों है? सिर्फ रमज़ान मुबारक की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ रमज़ान मुबारक की अदब व एहतराम की खातिर जन्नत को सजा दिया, दोजख के दरवाजे को बंद करवा दिया, शयातीन को जकड़ दिया कि अब आप गलत काम की तरफ कदम न उठा सके। कितनी ये रमज़ान की फजीलत है, कितनी रमज़ान की अहमियत है। हजरात, बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो रमज़ान मुबारक को पा करके उसको अपने नेकियों में, अपने आमाल में सर्फ करते हैं। हजरात, रमज़ान मुबारक की फजीलत तो इतनी बड़ी फजीलत है कि जो खुश नसीब मुसलमान माह रमज़ान मुबारक में इंतकाल करता है, अगर कोई मुसलमान रमज़ान मुबारक में इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो उसको सवालाती कब्र से अमान मिल जाती है। सुभानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक को कितनी फजीलत दी बख्शी है कि अगर कोई खुश नसीब मुसलमान रमज़ान में इंतकाल कर जाए, रमज़ान में फौत हो जाए, तो वह जो है कब्र के सवाल से बच जाता है, सवाल कब्र से उसको अमान मिल जाती है और वह अजाब कब्र से भी बच जाता है और जन्नत का हकदार करार दे दिया जाता है। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, अब आप समझें कि रमज़ान मुबारक की कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी अजमत है, रहमत है, कि कितनी फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है कि अगर रमज़ान में कोई शख्स, ये नहीं कहा गया कि नमाजी मरेगा तो उसको अज़ाब कब्र से महफूज किया जाएगा, मुतलक इस हदीस में है कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए रमज़ान में तो अज़ाब कब्र के सवाल से वह बच जाता है और अज़ाब कब्र से भी उसको बचा लिया जाता है और जन्नत का वो हकदार हो जाता है। ये रमज़ान मुबारक की फजीलत है। हजरात, मुहद्दिसीन किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन का कौल है कि जो मोमिन इस महीना में इंतकाल कर जाए, जो इस महीना में फौत हो जाए, वो सीधा जन्नत में ही चला जाता है। मुहद्दिसीन फकहा वलमाए किराम का इस पर इत्तेफाक़ है कि जो मोमिन इस महीने में इंतकाल कर जाए तो उसका ठिकाना सीधा जन्नत ही में होता है, गोया उसके लिए दोजख का दरवाज़ा बंद है और कोई काफिर मरता है तो सीधा दोजख में ही गिर जाता है, सीधा दोजख में ही डाला जाता है, इसलिए कि उसके लिए दोजख का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों पर, मुसलमानों पर कितना बड़ा करम फरमाया है और हम रमज़ान का रोज़ा पा करके इसके अदम न करें, इसका एहतराम न करें, इसकी ताज़ीम न करें तो मुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन शख्स हो सकता है। इसलिए हजरात, ज़रूरी है कि आप रोज़े की हालत में रहिए। अगर काश हमारी रमज़ान में मौत ही आ जाए तो हम इस हाल में इंतकाल फरमाएं कि रोज़े की हालत से हम दुनिया से जाएं, और रोज़े की हालत से दुनिया से जाएंगे तो जो हदीस में है कि रमज़ान में अगर कोई मरेगा, इंतकाल करेगा, तो उसका ठिकाना जन्नत ही परवरदिगार आलम सीधा बना देगा। इसलिए रमज़ान के रोज़े हम सब पर फर्ज किए गए हैं और फर्ज को करना हर हाल में ज़रूरी होता है। माह रमज़ान तो क्या आता है, रहमत और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत और जन्नत
के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के ताले बढ़ा पड़ जाते हैं। शैतान को पाबंदे सलासुल कर दिया जाता है। हजरत हजरत सैयदना इब्राहिम बर्रह रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम रहमत आलम नूरी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया करते थे कि रमज़ान का महीना आ गया है जो कि बहुत ही बाबरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके रोज़े तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शर का शैतानों को कैद कर दिया जाता है। इसमें एक रात शबे कद्र है जो हज़ार महीनों से भी बढ़कर है। हजरात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा करम असीम है अपने बंदों के ऊपर कि अपने बंदों ही की खातिर सब कुछ करता है। परवरदिगार आलम कि जन्नत के दरवाजे खोल देता है, दोजख के दरवाजे बंद करवा देता है, शैतानों को जकड़ दिया जाता है ताकि मेरे बंदे अच्छे तरीके से अपने आमाल को अदा कर सकें। और इस रमज़ान मुबारक में एक रात ऐसी परवरदिगार आलम ने दी है जो हज़ार महीनों से भी बेहतर वो रात है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस रात के मुतालिक भी हम आपके सामने इसके मालूमात के मुताबिक इसके बारे में भी आपके सामने पेश करेंगे। हजरात शैतान कैद होने के बावजूद से आखिर आदमी गुनाह क्यों कर बैठता है? जब रमज़ान मुबारक में शैतान कैद कर दिए गए फिर भी आदमी, फिर भी इंसान रमज़ान मुबारक के महीने में गुनाह क्यों करता है? हजरात हदीस पाक में फरमाया गया है कि माह मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। इसी हदीस पाक में भी फरमाया गया है कि माह रमज़ान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। यहाँ एक सवाल ज़मीन में आता है कि जब सरकश शयातीन को कैद कर लिया जाता है तो फिर आखिर लोगों से गुनाहों का सुदूर क्यों होता है? इसके कई जवाबात हैं। हो सकते हैं मसलन 11 महीना तक शैतान इंसान को बहकाने में लगाए रहता है। बदनसीब इंसान भी शैतान के चक्कर में आकर गुनाहों पर गुनाह करता रहता है। इस तरह इंसानी जहन गुनाहों का आदि हो जाता है और माह रमज़ान में गुनाहों से वो बाज नहीं रह पाता। गोया वो जो है अपनी आदत के मुताबिक गुनाह कर बैठता है। मानूस इतने हो चुके सयाद से हम, मानूस इतने हो चुके सयाद से हम, जो रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, जो रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। ज़्यादातर माह रमज़ान में उन्हीं लोगों से गुनाह का ज़्यादा सुदूर होता है जो अलावा रमज़ान की भी कसरत के साथ गुनाहों में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका नफ्स गुनाहों पर दिलेर हो चुका है। लिहाजा वही नफ्स माह रमज़ान में भी उनको गुनाहों पर उभारता रहता है। हदीस मुबारक में आता है जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता बन जाता है। जब वो दूसरी बार गुनाह करता है तो दूसरा सियाह नुक्ता बन जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल सियाह हो जाता है। नतीजतन भलाई की बात उसके दिल पर असरअंदाज नहीं होती। इसलिए जाहिर है कि जिसका दिल ही जंग आलूद और सियाह हो चुका हो उस पर भलाई और खैर की बात और नसीहत कहाँ असर करेगी? माह रमज़ान हो या गैर रमज़ान, ऐसे इंसान का गुनाहों से बास और बेजार रहना नहायत ही दुश्वार हो जाता है। उसका दिल नेकी की तरफ माइल ही नहीं होता। अगर वो नेकी की तरफ आ भी गया तो बसा औकात उसका जी सियाही के सबब नेकी में नहीं लगता और वो नेकियों के माहौल से भागने ही की तदबीर सोचता है।
उसका नफ्स उसे लंबी लंबी उम्मीदें दिलाता है, गफलत से उसे घेर लेती है और वो बदनसीब नेकियों और अच्छे और पाकीज़ा माहौल से दूर पड़ जाता है। माह रमज़ान की मुबारक सातें बल्कि पूरी पूरी रातें वो शख्स लहूलुहान फजूलियात खेल कूद गाने बाजे ताश और तरह तरह के खुराफात में बर्बाद कर देता है। हजरात, तो रमज़ान में जो रोज़ा रख कर के आदमी गुनाह करता है तो गुनाह वो आदत की बुनियाद पर करता है, उसकी नफ्स उसको ले जा रही है, उभार रही है। वरना हकीकत तो यही है कि जो हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक कि बड़े बड़े शरकत शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन जो बंदा गुनाह रमज़ान में करता है वो सिर्फ अपनी आदत की बुनियाद पर किया करता है। उसका नफ्स 11 महीना इधर उधर फिरता है, घूमता है, इसलिए 11 महीने की आदत उसको पड़ी रहती है, इसलिए वो एक महीना में भी अपनी आदत के मुताबिक ही गुनाह करता रहता है। हजरात, ज़रूरी है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले को पसंद करता है। हजरात, ये महवारक महीना है कि जो भी शख्स अपने दिल से तहे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करे और तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है, गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। हजरात, तौबा तो हर शख्स की हो जाती है, लेकिन चार शख्स ऐसे हैं जो इस रमज़ान मुबारक के महीने में भी जब तक कि वो सिद्क दिल से तौबा न कर लें उनके गुनाह माफ़ नहीं होते, उनकी तौबा कबूल नहीं होती जब तक सिद्क दिल से वो तौबा न कर लें। वरना रमज़ान में भी चार लोग हैं कि जिनकी तौबा कबूल नहीं होती है। वो कौन चार लोग हैं? एक वो शख्स है जो दायमुल खमर है, हमेशा हमेशा वो शराब पीता है, जब तक कि वो तौबा ना कर ले तो रमज़ान में भी उसकी गुनाह माफ़ नहीं होता। अगर वो तौबा सिर्फ दिल से कर ले अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। और दूसरा वो शख्स है जो अपने वालदैन के साथ नाफरमानी का सुलूक करे, नाफरमानी का बर्ताव करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की भी तौबा कबूल नहीं फरमाता है। तीसरा वो शख्स है जो करीबी रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करे, अल्लाह ऐसे की भी जो है तौबा कबूल नहीं फरमाता है। चौथा वो शख्स है जो किसी के लिए अपने दिल में बुग्ज़ रखे, हसद रखे, कीना रखे, किसी को अंदर से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की भी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। हजरात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रमज़ान मुबारक का ये महीना है, इसमें आप अल्लाह से तहे दिल से सिद्क दिल से तौबा करें, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाने वाला है। हजरात, गुनाह करते करते आदमी का दिल जब स्याह हो जाता है तो दिल की स्याही का इलाज क्या होता है? उस स्याह कलबी का इलाज ज़रूरी है। उसके इलाज का एक मौसर जरिया पीरे कामिल भी है, यानी किसी ऐसे बुजुर्ग के हाथ में हाथ दे दिया जाए जो परहेजगार मुत्तबाई सुन्नत हो, दुनिया की मोहब्बत से दूर हो, जिसकी ज्यारत खुदा व मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाए, जिसकी बातें सलात व सुन्नत का शौक उभारे, जिसकी सोहबत मौत व आखरत की याद दिलाती हो, ऐसा पीर कामिल अगर खुशकिस्मती से मुयस्सर आ जाए तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दिल की स्याही का इलाज ज़रूर हो जाएगा। मगर ये सब कुछ अल्लाह की मशीयत
اور اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ اللہ ہر مسلمان بھائی کے دل کی سیاہی کو دور عطا فرمائے۔ اگر آپ کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو گیا ہے، تو آپ ایسے پیر کامل کی تلاش کریں جو متبع سنت ہو، جو صوم و صلاۃ کا پابند ہو، جس کا چہرہ دیکھنے سے دیدار مصطفیٰ آ جائے، یاد آ جائے۔ ایسے کو، ایسے کے ہاتھ اپنے ہاتھ کو دے کر کے، ان کو گواہ بنا کر کے، ان کے سامنے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گناہ کی سیاہی مٹ جائے گی۔ آپ کے دل کی سیاہی کا یہی علاج ہے کہ آپ ایسے پیر کامل کی تلاش میں لگے رہیں، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے بہت سے ایسے ایسے دنیا میں پیر کامل کو پیدا فرمایا ہے، اگر آپ تلاش کریں گے تو بہت سے ایسے ایسے لوگ ہیں پیر کامل جو آپ کے اوپر نگاہ اٹھا دیں گے، تو آپ کے اوپر نگاہ اٹھتے ہی آپ کی دل کی دنیا کو بدل دیں گے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسے اولیاء کرام پیدا کیا ہے، ایسے پیر کامل بنایا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اپنی نگاہ کو اٹھا دیں، آپ کے اوپر نگاہ خاص فرما دیں، تو آپ کی ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ پروردگار عالم آپ انہی بزرگوں کے صدقے سے آپ کی سیاہی کو، آپ کی دل کی سیاہی کو، آپ کے گناہ کو ان کے صدقے سے معاف عطا فرمائے گا۔ حضرات، تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے گناہوں کے بارے میں فکر کیجیے۔ خدا را ایسا نہ ہو کہ آپ توبہ نہ کر پائیں اور توبہ کرنے سے پہلے آپ کو موت آ جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے آپ کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے، دکھائیں گے کہ آپ کے نام اعمال سیاہ ہی سیاہ ہوں، کالا ہی کالا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ توبہ کر لیں۔ زندگی انسان کا ایک ببولا ہے، پانی کے ببولے کی مثل ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی یعنی اور فانی ہے۔ ایک دن ہم کو بھی مر جانا ہے، ایک دن آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، اس لیے جانے سے پہلے آپ وہاں کی تیاری کر لیجئے، اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کا واسطہ، رمضان المبارک کا صدقہ ماں کر کے اپنے دل کی سیاہی کو دور فرمائے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، پروردگار کا فرمان ہے، بے شک ہم توبہ کو کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ توبہ کریں گے رمضان کا وسیلہ بنا کر کے، اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز پھر دوسرے ٹائم میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔